फिर तुम मूछे नहीं रख सकते, ये संविधान तुम्हें मूछे रखवाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेते हो, हमारी आंखें उसमें लिखा मनुवाद में वो अपर कास्ट की ब्राह्मण की आंखों में तकलीफ होती है अगर कोई अछूत अगर कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, उसके घर में कोई धन होता है, उसकी बहन बेटी अच्छे कपड़े पहन के सोना चांदी पहन के निकलती है तो उसको उसकी आंखों में तकलीफ होती है ब्राह्मण की। और कांशीराम जी हमेशा से बोल के गए थे कि आप सत्ता के लिए काम करना, लेकिन आप ये धरने प्रदर्शनों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, क्योंकि आपको जेलों में ले जाएंगे, आपके ऊपर केस बनाएंगे, आपको अंदर कर देंगे। उनका ट्वीट ही अपने आप में एक बहुत भारी एक एटम बम परमाणु बम के तरह काम करता है। जिस तरह बहन मायावती जी ने जब सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर उनका ऐसा जबरदस्त था कि वहां बड़े बड़े एक वहां पर डॉन था कहते थे जी उसके अपने घर बुला करके पीछे तालाब बना रखा है उसमें डाल देता मगरमच्छ पाल रखे हैं और मगरमच्छ खा जाते हैं, वो खुद खुद भी और अपने कमर पे अपने मगरमच्छ बांध करके वो वहां से भाग ही गया वहां से पूरे उत्तर प्रदेश से जब तक बहन मायावती वहां पर मुख्यमंत्री रही। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ अशोक अज्ञानी है, अब इनके नाम पे मत जाइएगा, अज्ञानी नाम ही है लेकिन ज्ञान इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूंगी कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं, बस एक सोशल मीडिया पर ट्विटर से ट्वीट कर देती हैं और बस उनका काम खत्म हो जाता है, क्या कारण है जमीनी स्तर पर नहीं आती है, सिर्फ ट्वीट करके अपना काम निपटा देती है? देखिए उनका जो ट्वीट है ना बहन जी का ट्वीट ही अपने आप में एक परमाणु बम की तरह गिरता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नेता हैं और सबको पता है कि अगर उन्होंने एक आवाज कर दी तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। उनका अपना कैडर, उनकी मान्यताएं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज में उनकी अपनी मान्यता है, विशेष मान्यता, तो वो ट्वीट करके वो अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देती है कि भाई मैंने ट्वीट कर दिया, सरकार को एक चेतावनी और अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज कि भैया वहां पहुंचो, वो वहां जाकर के उसको हैंडल करते हैं। और बहन जी जब ट्वीट कर देती है तो पूरी सरकारों पे एक बम गिर जाता है, उनको पता है कि अगर मायावती, इसका मतलब मायावती जी ने उसका संज्ञान ले लिया है उस बात का कि अगर इस तरह की कोई एट्रोसिटी एससी एसटी के समाज के ऊपर हो गई है, जैसे हाथरस केस में हुआ था, उन्होंने ट्वीट किया और तमाम लोग, हम भी पहुंच गए वहां पर सारे के सारे जाकर के, और उसके बाद ही मीडिया ने एकदम से उठाया उस मूवमेंट को कि जो बिल्कुल नहीं देख रहे थे, एकदम मीडिया ने उसको हाथों हाथ उठाया। और दूसरा ये इंदर मेघवाल का कांड हुआ और जो दूसरा लड़का था वहां मेघवाल जिसकी मूछे रखने से कर दी थी जिदा, तो उनको उन्होंने ट्वीट करके वहां सरकार को भी चेतावनी दे दी और कार्यकर्ता भी वहां पर गए जो मदद कर सकते थे। लेकिन फिर भी देखिए कि ये तमाम जितनी चीजें हैं ये एक विरोधाभास है कानून में, समाज में ये इस तरह के विरोधाभास, इस तरह के केस होते हैं। अब हर केस में अगर बहन जी खुद पर्सनली जाकर के पहुंचने लग गई तो ये मनुवादी तो ऐसी हर जगह कर गए, कभी आज बंगाल में करेंगे, आज महाराष्ट्र में करेंगे, वहां करेंगे, हमारा तो ऐसे हमारा नेता तो घूमता ही रहेगा, फिर उसको तो काम ही नहीं है ना कुछ, फिर अपनी रणनीति, इनके खिलाफ कैसे रणनीति बनानी है, चुनाव जीतने की, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करनी है, घोषणा पत्र तैयार करने हैं, आगे की रणनीति कर रहे हैं। और दूसरा माननीय कांशीराम जी हमेशा से बोल के गए थे कि आप सत्ता के लिए काम करना, लेकिन आप ये धरने प्रदर्शनों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, क्योंकि आपको जेलों में ले जाएंगे, आपके ऊपर केस बनाएंगे, आपको अंदर कर देंगे, इससे बेहतर है कि अपने कैडर को घर का डोर टू डोर जाके उनको समझाओ, सत्ता और सत्ता की शक्ति के बारे में बताओ, राजनीति के बारे में बताओ, अपने मिशन के बारे में बताओ, अपने महापुरुषों के आंदोलनों के, उनकी कुर्बानियों और उनके दिशा निर्देशों के बारे में बताओ और सत्ता पे पहुंच जाओ, और सत्ता पे पहुंच जाओ, आप पहुंच जाओगे तो फिर आप उस तरह उस सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने लोगों को सुरक्षा भी दोगे, न्याय भी दोगे और उनको अधिकार भी दोगे, रोजगार भी दोगे। जिस तरह बहन मायावती जी ने जब सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर उनका ऐसा जबरदस्त था कि वहां बड़े बड़े एक वहां पर डॉन था कहते थे जी उसके अपने घर बुला करके पीछे तालाब बना रखा है उसमें डाल देता मगरमच्छ पाल रखे हैं और मगरमच्छ खा जाते हैं, वो खुद खुद भी और अपने कमर पे अपने मगरमच्छ बांध करके वो वहां से भाग ही गया वहां से पूरे उत्तर प्रदेश से जब तक बहन मायावती वहां पर मुख्यमंत्री रही वो उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे नहीं। बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े खलीफा, वो भाग हल्ला मच गया पूरी दुनिया में, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटर आ गई। और एक दो मुझे याद है कि जब एक दो अलीगढ़ वगैरह में एट्रोसिटी हुई थी
उनके दलितों के ऊपर, उन्होंने गांव को पूरा पूरा का पूरा उन्होंने बटालियन भेज करके पूरा वहां पर छावनियों में तब्दील कर दिया और घरों से निकाल निकाल करके उन दोषियों को, दबंगों को, उनको उनकी हैसियत बताई, जेलों में टूसा। तो इतनी बड़ी वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो ऐसे ही थोड़ी है, उसका उनका ट्वीट ही अपने आप में एक बहुत भारी, एक एटम बम, परमाणु बम की तरह काम करता है और वो लगातार जुड़ी हुई है। देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन सर फिर भी क्या कारण है कि एट्रोसिटी जो बढ़ती जा रही है, जितने में जितेंद्र मेघवाल की मौत कर दी जाती है, इंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मटका छुआ था, और भी तमाम ऐसी घटनाएं आती है जिसमें एससी एसटी आदिवासी लोगों के साथ आज भी अत्याचार किए जाते हैं। देखिए हमें सोचना पड़ेगा कि एट्रोसिटी जैसे जैसे हिंदूवाद बढ़ रहा है, हिंदू धर्म की और ये मंदिरों की तरफ मंदिर बढ़ रहे हैं, भगवानों के वर्चस्व बढ़ रहे हैं और ये हिंदूवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उन्हीं के साथ उन्हीं हवाओं में बह जा रहे हैं। और वो क्यों हमारे पर अत्याचार बढ़ रहा है, क्योंकि वो शुरुआती वो आपको टेलर पिक्चर जब आती है उससे पहले टेलर होती है ना। अब जो हिंदूवाद में था, जो हिंदू राष्ट्र में होना है हमारे साथ, जो हमें अछूत बनाना है, हमें अगर से काम छीन लेने सारे, हम ये बढ़िया बढ़िया कपड़े थोड़ी पहन पाएंगे, हमें शिक्षा थोड़ी मिल पाएगी, या हमें वो हमारी मनमर्जी का योग्यता के हिसाब से नौकरी थोड़ी करने देंगे। फिर तो जो हमारे ऊपर थोपे हुए काम है, परंपरागत पेशे, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हमें वही करने हैं, हम दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो हिंदू राष्ट्र जब बनाएंगे 2024 में, इस महान संविधान को बदल के वो नया संविधान लाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ऐसे ही पिटाई होगी, फिर तुम मूछे नहीं रख सकते, ये संविधान तुम्हें मूछे रखवाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने थे, हमारी आंखें, उसमें लिखा अनुवाद में वो अपर कास्ट की ब्राह्मण की आंखों में तकलीफ होती है अगर कोई अछूत अगर कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, उसके घर में कोई धन होता है, उसकी बहन बेटी अच्छे कपड़े पहन के सोना चांदी पहन के निकलती है तो उसको उसकी आंखों में तकलीफ होती है ब्राह्मण की, इसलिए उसको ना सोना चांदी पहनने का अधिकार है, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। और उसमें कहा कि इसको उनको पढ़ने मत देना, और गलती से कहीं अगर ये भूल चूक से किसी वेद और पुराण वेदों की अगर वो या इनकी आरती सुन ले, तो अगर गलती से उनकी प्रार्थना सुन ले मंदिर के आसपास और वो पकड़ा जाए तो उसको उसके पिघला हुआ शीशा उसके कानों में घुसा देना, अगर वो वेद मंत्र करे तो उसके उसकी जवान काट देना। तो वो टेलर है, पिक्चर वो दिखाएंगे हिंदू राष्ट्र बनने के बाद। सर आरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, उनका खुद हाल ही में कहना था कि हमने जातिवाद करके बहुत बड़ी गलती की है, जातिवाद देश के विकास के लिए खतरा है, हमें अपने पूर्वजों को माफ कर देना चाहिए और आगे ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इनको 2024 लेना है, 2024 के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गुमराह कर सकते हैं। भाई आज तुम्हें याद आ रहा है, आज 8 साल से तुम्हारा हिंदू आप सारे प्रधानमंत्री विचारधारा के लोग सारे सत्ता में है, तो अगर तुम्हें अगर ये ऐसा कोई लग रहा था, तकलीफ लग रही थी कि भाई जातिवाद ठीक नहीं है, तो आपने 2014 में, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप दो जो आर्टिकल 17 है भारत के संविधान में, अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है अर्थात जातिवाद खत्म किया जाता है, तो उसके लिए एक ऐसा बड़ा कानून बना देते और उसके लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते कि भाई जातियां नहीं होंगी, अब ये आर्टिकल 17 पे हम ऐसा विशेष कानून ला रहे हैं कि अगर कोई जातिवाद करेगा तो उसको ऐसा दंड मिलेगा, उसके साथ खिलाफ ऐसा काम करेगी सरकार, और वो आप इस तरह की कार्रवाई करते और तो हमें लगता कि आप बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि अगर आपको लग रहा था कि जातिवाद खराब है और आप उसको खत्म करना चाहते हैं, तो भाई अभी तक आपने जो एससी एसटी के लोग जो ठेके पे 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लाखों लाख नौजवान लोग काम कर रहे हैं जिनका जीवन खत्म हो गया, इस इंतजार में थे कि शायद हिंदुओं का राज आएगा, हिंदुओं का राज आ गया, तो आप तुमने उनको परमानेंट क्यों नहीं करा भाई, उनको जमीनों का बंटवारा क्यों नहीं करा, जमीनें बांटते हैं ना जो भूमि ही नहीं, हम लोग 98% लोग हम पे भूमि नहीं है इस देश की, ना घर है हमारे पास अपने, ना हमारे पास खेतों की जमीन है, हमें क्यों नहीं आपने लैंड रिफॉर्म करे, क्यों नहीं जमीनें बांटे। सर आपके पास भी तो सब कुछ है, एससी एसटी के बच्चे पढ़ लिख कर जो नौजवान है विदेशों में जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं कमा रहे हैं पढ़ लिख कर, उन्हें अपने फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, तो फिर भी एक रोना मतलब चाल ही रहता है कि हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है, क्या ये सही है? कितने परसेंट लोगों के पास, ये डाटा आना चाहिए ना, कितने परसेंट लोगों को आपने दिया है वो अभी तक? हजारों करोड़ का हमारा बजट हर साल आता है उसका,
कितने लोग आपने विदेश भेज दिए बताओ ना, हमें डाटा बताओ कितने लोगों को आपने नौकरियां दी। अगर वो तो रिजर्वेशन मजबूरी था, सरकारी क्षेत्र में था वो भी रिजर्वेशन, इन्होंने चालबाजी से उसको भी खत्म कर दिया। जो आर्टिकल 16(4) में हमारा रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट का मूल अधिकार का हिस्सा संविधान में, उसको कांग्रेस की सरकार ने 1992 में निजीकरण की नीतियां ला करके वो संसाधन सब बेचने शुरू कर दिए सरकारी क्षेत्र, जिससे कि हमारा रिजर्वेशन बिना अल्टरनेटिव दिए, जब फंडामेंटल राइट का हमारा हिस्सा रिजर्वेशन है 22.5%, तो हमें आप कोई अल्टरनेटिव देते उसकी जगह दूसरा, वो दिए बिना आपने हमारी नौकरियां छीन ली और आपने हमें ठेके पे भेज दिया। और उसको किसने आगे बढ़ाया? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। ITDC के होटल बेचे, सारी संस्थान बेचे उसने बीजेपी की सरकार ने। और फिर उसको किसने आगे बढ़ाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने, जो 10 साल रही उसने आगे बढ़ाया। और फिर उसी नीतियों को क्यों आगे बढ़ा रहा है? हमारे मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, जो रेल बेच रहे हैं, जो इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, जिन्होंने बैंक बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं ना, आपको रोज खबर आ रही है ना, तो ये सारे लोग बीजेपी कांग्रेस एक ही हुए ना, एक ही नीति फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, अगर कांग्रेस इस देश में देश को बेचने की निजीकरण की नीति लाई थी या ठेकेदारी की नीति लाई थी, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते नहीं भाई ये मेरे हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू SC ST उनके खिलाफ है, मैं इस नीति को खारिज करता हूं और मैं सारे उनको सरकारी क्षेत्र में लाता हूं, ऐसा किया क्या? उन्होंने भी कहा नहीं, इसी को आगे बढ़ाओ, उनका रिजर्वेशन खत्म करो। लेकिन सर खबर तो ये थी रिजर्वेशन फिर आजादी के 10 साल तक ही रहेगा। नहीं, वो बिल्कुल गलत खबर थी, कहीं पर भी नहीं लिखा, कोई ऐसा कहीं पर कोई स्टेटमेंट नहीं है 10 साल के लिए होगा, संविधान में कहीं पर भी एक शब्द ऐसा नहीं लिखा। हाँ, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था उसको बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए खत्म करना है। जो राजनीतिक रिजर्वेशन का मतलब, जो चुनाव आते हैं पार्टी आपके सीटें रिजर्व होती है ना, विधानसभा लोकसभा और छोटे निकाय चुनाव हर जगह होती है ना, रिजर्व सीटें होती है, वो रिजर्वेशन राजनीतिक रिजर्वेशन बाबा साहब ने कहा था 10 साल में खत्म कर देना, लेकिन उनको इन्होंने हथियार बनाया उस रिजर्वेशन को, ये लगातार रखे उससे हमारे जो हमारे हित के लोग नहीं आए, जो SC ST के लोग आए वो इन्हीं के फेवर के लोग आए, क्योंकि बोल ही नहीं सकते, पार्टी इनकी है और ये मजबूरी में क्योंकि रिजर्व सीट है तो SC ST के आदमी को लड़ाते हैं। अगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर देते 10 साल में, तो आज इस देश के अंदर बहुजन सरकार होती, क्योंकि जब SC ST का रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये कोई भी पार्टी किसी भी सीट पर ये किसी SC ST को टिकट देना तो छोड़ो, ये उनको घुसने नहीं देंगे अपने दफ्तरों में, इतना भयानक जातिवाद है। तो इसलिए जो पहले रिजर्वेशन इनको खत्म करना चाहिए था वो तो करा नहीं, इन्होंने हल्ला मचा दिया कि नौकरियों का रिजर्वेशन, शिक्षा का रिजर्वेशन, ये भी रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, जबकि ऐसा नहीं था। जो हमारा आर्थिक और शैक्षणिक रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, आर्टिकल 16(4) जो इन्होंने निजीकरण करके बिना उसका अल्टरनेटिव दिए इन्होंने संविधान के विरुद्ध काम किया है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा है कांग्रेस ने और उसको आगे बढ़ाया है बीजेपी की सरकारों ने, केजरीवाल ने, कांग्रेस की सरकारों ने, सब ने उसको, ये तीनों एक मनुवादी पार्टियां हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट और बाबा साहब का, माननीय कांशीराम जी का, हमारे हमारे महापुरुषों का सपना, ये हमारी बहुजनों की सत्ता कायम करने के लिए बहुजन।